नमस्ते, मैं ओंकार जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में सबका फेवरेट जो है मिठाई, वो मुझे लगता है गाजर का हलवा होती है। मेरी भी बहुत फेवरेट है, तो चलिए आज बनाते हैं हम गाजर का हलवा। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार। फटाफट से मैंने 1 किलो गाजर को पहले धो के और छील के फिर अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इनको मैं प्रेशर कुकर में डाल के बॉईल करूंगी। गाजर को मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 कप दूध। दूध डाल के हम इन्हें बॉईल करने रख देंगे और लगभग 2 विसल तक हम इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए, गाजर बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच घी डाला था और लगभग आधा कप मैंने काजू, बादाम और पिस्ता, उनको कट कर लिया है, तो वो लो फ्लेम पर मैं भूनूंगी। लगातार चलाते हुए भूनना है वरना जल जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, मैंने निकाल लूंगी एक बाउल में। इसी पैन में थोड़ा सा घी और डाल के 1 बड़ा चम्मच हम किशमिश फ्राई कर लेंगे साथ में। किशमिश को बस हल्का सा ही हमें बस चलाना है इसमें। ये देखिए, इतना ही हमको भूनना है। उसी कढ़ाई में मैं ये 250 ग्राम मावा डाल दूंगी भूनने के लिए। मावा से गाजर का हलवे का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप वैसे चाहें तो आप मावा की जगह दूध थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, पर मावा अगर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा हलवा। लो फ्लेम पर ही हम भूनते रहेंगे मावा। ये देखिए, मावा मेरा अच्छे से भून चुका है। लो फ्लेम पर ही आप भूनना, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन बढ़िया से भुनेगा। चलिए अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी और साथ ही में गाजर जो बॉईल करी थी हमने। ये देखिए, गाजर को लो फ्लेम पर ही हमें भूनना है जिससे कि जो एक्सेस वाटर हमें दिखाई दे रहा है ना, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए गाजर में। लो फ्लेम पर इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए, गाजर कितनी बढ़िया भून के हो गई है मेरी। अब मैं इसमें डालूंगी लगभग 200 ग्राम चीनी। चीनी डाल के हम मिक्स कर लेंगे गाजर को और लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे। ये देखिए, गाजर बहुत अच्छे से भून चुकी है और जितना भी एक्सेस वाटर था इसमें सब एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी मावा। मावा डाल के हम मिक्स करेंगे हलवे को। ये देखिए, मावा गाजर के साथ मिक्स हो गया है। बहुत ज़्यादा हमको नहीं भूनना है क्योंकि ऑलरेडी मावा हम पहले भून चुके हैं। अब मैं डालूंगी इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करे थे पहले, और साथ में ही मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। सब चीज़ें डाल के एक बार और मिक्स करना है। और ये देखिए, हमारा बेहतरीन टेस्टी गाजर का हलवा बनके बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी है। तो देखिए कितना टेस्टी हलवा बनके रेडी है और इसका जो अरोमा आ रहा है ना, इतना लाजवाब। मुझे तो मन कर रहा है कि इसको फटाफट से खा जाऊं।
तो आप लोग भी जाइए और जाके फटाफट बनाइए ये टेस्टी रेसिपी। तो ये टेस्टी टेस्टी हलवा आप बना के जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। धन्यवाद।